हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक टू ग्रो विद तरुण परनामी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही सेम टॉपिक के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन के बारे में। उस वीडियो में कुछ रूल्स रह गए थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से उस वीडियो को कट शॉर्ट करना पड़ा और बाकी बचे रूल्स के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या अंतर है। डायरेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस को हम एग्जैक्ट सेम वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने ये कहा है और उसके द्वारा बोले गए शब्द ये हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है डायरेक्ट सेंटेंस। और जब उस सेंटेंस में कुछ परिवर्तन किया जाता है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, तब उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। और डायरेक्ट सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जितने भी मेजर चेंजेस हैं वो सारे मेजर चेंजेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम आगे होने वाले रूल्स के बारे में बात करेंगे। मेजर वही चेंजेस हैं जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, लेकिन थोड़े से चेंजेस अलग। और आज के इस वीडियो में सबसे पहली बात जो हम बात करेंगे वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे हमें क्वेश्चन मार्क मिलता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं। आइए देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। जॉन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। जॉन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको हम चेंज कैसे करेंगे? जॉन आस्क्ड मी। तो सबसे पहले जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, हाउ टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखना होगा कि सेड टू को या फिर सेट को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो सेट टू को या फिर सेट को हम चेंज कर देते हैं आज में, क्योंकि वहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, और जब भी कोई सेंटेंस, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो कनेक्टर होगा वो हमेशा हमेशा वही वर्ड रहेगा। इसी वर्ड को हम यूज़ करेंगे, व्हाट व्हेन वेयर हाउ, इन्हीं वर्ड्स को हम यहाँ पे कनेक्टर में यूज़ करेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस को, एक क्वेश्चन सेंटेंस को आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आती है तो पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करता है, वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स सी। सो जॉन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, कनेक्टर यही रहेगा व्हाट, क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जॉन आस्क्ड मी What I was doing. So देखिए, यहाँ पर जो helping verb थी वो doer से पहले आ रही थी, लेकिन यहाँ पर helping verb doer के बाद में आ रही है, क्योंकि positive sentence में change हो चुका है। दूसरा sentence देखते हैं। वैशाली said, Aren't you happy today? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि today या फिर tomorrow को भी हमें change करना है, yesterday को भी change करना है, तो यहाँ पर today को भी हम change करेंगे। वैशाली asked, as I told you before, said to को या said को हम asked में या फिर question में change कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने asked लिखा है, वैशाली asked। अगर कोई sentence helping verb से start होता है तब हम वहाँ पर connector use करेंगे if या फिर whether। वैशाली asked if I, you को हमने I में change कर दिया, I wasn't happy that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day, today That day को इस तरह से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब बात करते हैं हम इम्पैरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्पैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं, ये सेंस निकालते हैं कि कोई हमें या तो रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है या फिर सजेशन कर रहा है कुछ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला चेंज के सेट टू को या सेट को हम चेंज कर देंगे अगर यहाँ पर अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक ऐसा सेंटेंस जो हमें ऐसा साउंड कर रहा है कि यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, तो हम इस सेट टू को चेंज करेंगे क्वेस्टेड में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जॉन सेड टू मी प्लीज़ कम हियर, जॉन रिक्वेस्टेड मी। सेट टू को हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में।
और ये जो प्लीज़ है इसको हम हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्ट में ये वाली बात आ चुकी है, और ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रहा है यहाँ पर या फिर डोंट में आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ चेंज करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, देखिए जॉन सेड टू मी प्लीज़ कम हियर, रिक्वेस्ट कर रहा है, जॉन रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर, कम का गो हो जाएगा और हियर का देयर हो जाएगा। अब जैसे देखें नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वैशाली सेड डोंट ईट टू मच, यहाँ पे मना किया जा रहा है, एक तरीके से सजेशन है, रिक्वेस्ट तो नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, अगर मैं खा लूँगा ज़्यादा तो उससे आपका क्या मतलब, लेकिन यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है आपको। सो वैशाली सेड डोंट ईट टू मच, तो यहाँ पे सेड को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड में, वैशाली सजेस्टेड नॉट टू। अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसको चेंज करने के लिए हम टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर नेगेटिव है, डू नॉट है या डिड नॉट है, तो उसको हम चेंज करेंगे नॉट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ लेट। कई बार किसी सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड लेट्स गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, यहाँ पर मेरा फ्रेंड अपने आप को और मुझे खुद को इंक्लूड कर रहा है और वो एक सजेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर अब लेट को हम चेंज करेंगे शुड में, और ये जो सेड है इसको हम सजेशन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक ही रहेगा, बस हमने यहाँ पे ये किया कि लेट को हमने चेंज कर दिया शुड में, और अस को हमने यहाँ पर ये जो लेट्स आया हुआ है इसको हमने चेंज कर दिया दे में, क्योंकि अस में मैं भी आ गया और वो भी आ गया, तो ये जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो अस को हम चेंज कर देते हैं दे के अंदर। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है कि हम किसी सेंटेंस में किसी को विश कर रहे हैं या फिर कर्स कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं या फिर बददुआएं दे रहे हैं, अब उनको हम कैसे चेंज करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। आई सेड टू माय फ्रेंड मे यू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, ये एक तरीके से मैं किसको दुआ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हम सेड टू को चेंज करेंगे विश में, आई विश्ड माय फ्रेंड दैट, यहाँ पर भी कनेक्टर दैट ही यूज़ होगा, आई विश माय फ्रेंड दैट ही और शी, क्योंकि फ्रेंड एक न्यूट्रल जेंडर है तो यहाँ पर उसके लिए प्रोनाउन ही और शी दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो आई विश माय फ्रेंड दैट ही माइट कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब कई बार किसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि किसी को हम विश करते हैं आज के दिन का, यानी कि नमस्ते विश करते हैं या फिर प्रणाम विश करते हैं या फिर हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, पुराने चेंजेस हमेशा रहेंगे। आई सेड टू माय टीचर गुड मॉर्निंग, सो यहाँ पर विशिंग हो रही है तो सेड टू को अगेन हम चेंज करेंगे विश में, आई विश द टीचर सिंपल गुड मॉर्निंग, क्या विश किया, गुड मॉर्निंग विश किया, आई विश द टीचर गुड मॉर्निंग, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये वाली बात मेरी सडन फीलिंग है, मेरे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, तो जब भी इस तरह से होगा तो सेट टू को हम सबसे पहले चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय सेट टू, या फिर शाउटेड विद जॉय और सोरो, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड अलास आई हैव बीन रूइंड, बर्बाद हो गया हूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर सेड विद सोरो, क्योंकि दुख है तो यहाँ पर हमने कहा एक्सक्लेम विद सोरो या फिर सेड विद सोरो दैट शी हैड बीन रूइंड, कनेक्टर दैट ही रहेगा। जो पुराने चेंजेस हैं टेंसेस के चेंजेस हैं वो यहाँ पर उसी तरह से चलते रहेंगे जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में समझा था। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मेरे बनाए गए वीडियो से आप ग्रामर की नई नई स्किल्स सीखते जा रहे हैं और आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती जा रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।